नोबिता। अब मैं समझा। नोबिता तुम बहुत लेट हो गए हो, मॉम बहुत गुस्से में है, जल्दी करो। ये क्या है? चलते वक्त ध्यान सड़क पर रहना चाहिए, समझे? क्या बात है नोबिता, वैसे तुम इतनी ध्यान से कौन सी किताब पढ़ रहे हो, दिखाओ मुझे। दिखने में तो ये कॉमिक बुक जैसी नहीं लग रही। ये तो शर्लॉक होम्स की बुक है। चाहे कितना भी छुपाओ, सत्य कभी नहीं छुपता। इस किताब में बहुत गहराई है। मिस्टर होम्स, आप लेट हैं। एक आदमी अपना केस लेकर आया था, पर अभी अभी लौट गया। ओह, ऐसा लगता है कि वो अपना पाइप यहाँ पर भूल गया है। जरा देखते हैं। इसे देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि वो आखिर कैसा और किस तरह का आदमी था। क्या? उसका रंग गोरा और उसके सफेद दांत हैं। बाएं हाथ में तिल और काला रंग पसंद है। पर आप ये कैसे कह सकते हैं? बहुत आसान है। ये गहरे दांतों के निशान से पता चलता है कि उसकी मजबूत मांसपेशियां हैं। पाइप का दाहिना हिस्सा जला हुआ है, जिसका मतलब वो बाएं हाथ का है। और काले रंग के पाइप से पता चला कि उसका फेवरेट रंग काला है। इस पाइप ने मुझे उसके बारे में सब बता दिया। मिस्टर होम्स, आप तो वाकई जीनियस हैं। और ऐसे ही एक के बाद एक होम्स कठिन रहस्यों का हल निकालता है। यानी कि उनकी नज़र बहुत ही तेज रही होगी। हाँ, मैं बिल्कुल होम्स जैसा ही बनना चाहता हूँ डोरेमोन। मैं घर आ गया। मॉम, आप कुछ भी मत कहिए। आपका चेहरा मुझे बता रहा है कि आप गुस्से में हैं। आप किस बात पर गुस्से में हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं पता करके रहूँगा। आप मुझे अभी भी घूर रही हैं, इसका मतलब है कि आप मुझसे गुस्सा हैं। मैं समझ गया। उस दिन मैंने मेहमानों का नाश्ता खा लिया था, यही बात है ना मॉम? क्या कहा? वो सब तुमने खाया था? ये बात नहीं है। समझ गया। उस दिन जब सूप गिरा था और मैंने आपके कपड़ों से उसे साफ किया था, यही बात है ना मॉम? बताइए। क्या? ये बात भी नहीं है। तो फिर आपको पता चल गया है कि मेरे फिर से जीरो आए हैं टेस्ट में। क्या कहा? जीरो? तो क्या हो सकता है? मुझे बताओ, तुम इतनी लेट कहाँ जा रहे हो और तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है? मेरा स्कूल बैग कहाँ है? जाओ जाके ढूंढ कर लाओ। आखिर तुम अपना स्कूल बैग कहाँ छोड़ा है नोबिता? मुझे पता लगाने दो। जरूर शिज़ुका के घर होगा। मैं घर आने से पहले शिज़ुका के घर गया था, वहीं पर होगा। मुझे नहीं लगता वहाँ होगा। यहाँ भी नहीं है मॉम। क्या आपने सच में नहीं देखा? मुझे याद है मैंने यही डेस्क पे रखा था। जरा सुनो शिज़ुका, मैं यहाँ शायद स्कूल बैग भूल गया। रुको नोबिता, मैं लेकर आती हूँ अभी। सब कुछ ठीक है ना? वो मेरा एक जरूरी सामान खो गया है। एक जरूरी सामान? डोरेमोन, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जरूरी सामान बहुत कीमती ही होगा। हमें पता लगाना होगा कि उसका जरूरी सामान कहाँ है, बिल्कुल शर्लॉक होम्स की तरह। कितना मजा आएगा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी होने वाला है। इसीलिए तो डोरेमोन, तुम मुझे कोई ऐसा गैजेट दे दो जिससे मैं एक सुपर डिटेक्टिव बन जाऊँ। प्लीज डोरेमोन, दो ना। क्या? मैं तुम्हें अपना आधा डोरा केक भी दे दूंगा डोरेमोन। तुम सच कह रहे हो? वादा कर रहे हो तुम? ये क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास है क्या? नहीं, इसे कहते हैं क्लू लेंस। ये सिर्फ तुम्हें वही चीजें दिखाएगा जो केस से जुड़ी होंगी। नोबिता, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अरे वाह, मैं तो सिर्फ शिज़ुका को देख पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम मुसीबत में हो। मैं हूँ शर्लॉक नोबिता, मैं तुम्हारा केस चुटकियों में सुलझा दूंगा, ठीक है? चिंता मत करो, मैं सब पता लगा लूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। चलो देखते हैं। माफ करना शिज़ुका। तो ठीक है, ये वो जगह है जहाँ घटना घटी। चलो देखते हैं। लगता है गुनहगार जल्दी में था। ये हाल हमारी वजह से हुआ है नोबिता। अच्छा, सच में? अभी तक मुझे कोई क्लू तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं, खिड़कियाँ का मतलब है कोई बाहर से नहीं आया था। अच्छा ये बताओ शिज़ुका, क्या तुम पूरे वक्त अपने कमरे में ही बैठी थी? नहीं, वो दरअसल किसी का कॉल आया था तो मैं नीचे चली गई थी थोड़ी देर के लिए। मुझे बात करते करते थोड़ी देर हो गई थी और इसी बीच नोबिता घर चला गया। अरे हाँ, उस वक्त मुझे घर जाना था क्योंकि मुझे मॉम के लिए केस सॉल्व करना था। पर अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ शिज़ुका, बताओ क्या करना है? तुम 5 सेकंड पहले क्या कर रहे थे ये भूल गए ना? सही कहा, उस केस का क्या हुआ? अरे हाँ,
अभी मैं कुछ ढंग से सोच नहीं पा रहा हूँ। जब भी तुम्हें ऐसा लगे तो तुम्हें बस अपनी टोपी को ऊपर उठाना होगा। क्या ऐसे? मैं समझ गया, केस तो आसान है। ये सब तभी हुआ जब शिज़ुका 30 मिनट के लिए नीचे गई थी, और ऐसा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है जो उस वक्त इस कमरे में मौजूद था। मैं तुमसे सीधे शब्दों में कहूँ तो अपराधी हूँ मैं ही असली अपराधी हूँ, और यही सत्य है, और सत्य कभी नहीं छुपता। ये मुझसे क्या बुलवा रहे हो? मैं गुनहगार नहीं हूँ डोरेमोन, शिज़ुका सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं कि तुम कुछ नहीं चुराओगे, और इसीलिए हम ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं नोबिता। तो फिर आखिर गुनहगार होगा कौन? तुम इस रेडार केन का इस्तेमाल कर सकते हो, ये जहाँ रुकेगा वही अपराधी होगा। तो ठीक है। हाँ? लगता है ये दीवार की तरफ इशारा कर रहा है। मैं सच कह रहा हूँ शिज़ुका, मैंने हीरा नहीं चुराया है, नहीं चुराया। लेकिन मैंने कब कहा कि हीरे चोरी हुए हैं? मेरी एक बुक चोरी हो गई है। एक बुक? वो बुक शेरलॉक होम्स थी, वो मैंने आज ही ली थी और मुझे उसे लौटाना था। शेरलॉक होम्स की बुक? अगर तुम्हें मिल गया तो बताना। हाँ बिल्कुल, वादा रहा। क्या तुम ही शेरलॉक होम्स की बुक नहीं पढ़ रहे थे नोबिता? बताओ, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ सही कहा, जब शिज़ुका फोन पर बात कर रही थी तब मैं बुक पढ़ने लगा था, और पढ़ते पढ़ते मैं निकल गया घर से। लेकिन जरा एक मिनट, जब तुम घर पहुँचे तो बुक तुम्हारे हाथ में नहीं थी। इसका मतलब मैंने उसे कहीं गिरा दिया होगा। चलो चलकर देखते हैं। डोरेमोन, इस रास्ते पर हम टकराए थे, और फिर मैं तुम्हें उस बुक के बारे में बताने लगा था। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई बुक नहीं नजर आ रही। चलो यहाँ से घर तक चलकर देखते हैं। क्या तुम अब भी नहीं मानोगे? लेकिन हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हमने कुछ नहीं किया। क्या लगता है क्या हुआ होगा? तुम्हारे लिए अभी बुक ज्यादा जरूरी है। अरे नहीं, हम तो घर पहुंच भी गए और हमें बुक नहीं मिली। लगता है जरूर किसी ने रास्ते से वो बुक उठा ली होगी। शिज़ुका मुझे कभी माफ नहीं करेगी। शांत हो जाओ नोबिता, यहाँ हमारी मदद शेरलॉक होम्स का सेट करेगा। रेडार गेम ढूंढ निकालेगा बुक किसने उठाई है। ये तो गिर ही नहीं रहा, इसका मतलब ये हुआ कि बुक किसी ने भी नहीं। चलो क्लू लेंस का इस्तेमाल करके देखते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और ध्यान से देखो डोरेमोन। अब मुझे कुछ दिख रहा है, लेकिन ये है क्या? मिस्टर कामिनारी का घर। परफेक्ट टाइमिंग, डोरेमोन हमारी मदद करो। आखिर बात क्या है बताओ? ये दोनों बहुत ही ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं। मैं अपने बोनसाई के साथ था जब बाहर जाके देखा तो वहाँ बस ये दोनों ही खड़े थे। देखिए, हम दोनों तो वहाँ से बस गुजर रहे थे। हमारी बात का यकीन कीजिए। डोरेमोन अपना गैजेट यूज करो। हाँ। इसका मतलब तुम दोनों दोषी हो। सही कहा? नहीं बिल्कुल नहीं, जरूर कोई गलती हुई है। और कोई रास्ता नहीं बचा, इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्या? ये बबल्स क्या करेंगे? ये बबल जो भी दोषी होगा उसके सर पर जाकर फूट जाएगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने भी कुछ नहीं। अरे मैंने कुछ नहीं किया। मेरा पीछा मत करो। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मैं नहीं हो सकता, जरा ये तो बताओ मैं पत्थर क्यों फेंकूंगा? ये चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। मैं समझ गया। हाँ डोरेमोन में शेरलॉक होम्स जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ डोरेमोन में शेरलॉक होम्स जैसा बनना चाहता हूँ। अब मैं समझ गया कि असल में क्या हुआ था, तो पहेली सुलझ गई है। सच में? सभी केसेस आपस में जुड़े हैं। यहीं पर नोबिता ने एक्साइटमेंट में शेरलॉक होम्स की बुक को उछालकर अंदर फेंक दिया था, जो वहाँ जाकर गिर गई। क्या सच में मैंने बुक को फेंका? उसके बाद बुक अंदर चली गई, और ठीक उसी वक्त मिस्टर कामिनारी यहाँ पर अपने पौधों को पानी दे रहे थे, और बुक उनके सिर पर आकर गिर गई थी। ये रही बुक, ये यहाँ पर है। इसकी सॉल्व हो गई और बुक भी मिल गई। अब समझ में आया मुझे।
अरे हमें बुक मिल गई, केस सॉल्व हो गया। डोरेमोन केस सुलझाने के लिए शुक्रिया। सॉल्व हो गया से क्या मतलब है तुम्हारा? वो मैं नोबिता, मुझे माफ कर दो। थैंक यू नोबिता, तुम जीनियस हो नोबिता, एकदम शेरलॉक होम्स की तरह। अगर मेरा कोई सामान खोया तो मैं फिर से याद करूंगी। आज के लिए बहुत हो गया है, मैं घर चलता हूँ। लग गई। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अरे नहीं, कुछ भी तो